कौन थे आईपीएल के 6 सबसे बेहतरीन बोलर्स? कैस्टल एक्टिव प्रेजेंट सुपर ओवर विद मी आकाश चोपड़ा। आई मीन अब तो वी आर लुकिंग बैक एट द टूर्नामेंट दैट हैज गिवन अस सो मच पॉजिटिविटी। इसका नाम वैसे मेरा मन कर रहा है कि इंडियन पॉजिटिविटी लीग रख दूं, मतलब क्योंकि लगा नहीं था ना 2020 में इतना देखने को, इतना खुश होने को, इतना एंगेज होने का अपने को मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच हैशटैग थैंक यू आईपीएल पर मैंने अपनी लिस्ट बना ली है जिसके अंदर मैं 6 गेंदबाजों को पिक करने वाला हूँ। उसके अंदर ओवरसीज और अपने इंडियन बोलर्स सब उसमें मिल जाएंगे और जो सबसे बेहतरीन रहेगा उसको मैं कैस्टल एक्टिव टूर्नामेंट प्रोटेक्टर की जो कहते हैं ना वो खिताब उनको दिया जाएगा। सो मैं 6 से शुरू करूँ, 6 5 4 3 2 1 लेट मी स्टार्ट। एट नंबर 6 आई हैव पिक्ड वरुण चक्रवर्ती। बड़ी कमाल का इनका प्रदर्शन रहा एक्चुअली। वरुण चक्रवर्ती और टी नटराजन में आई वाज जस्ट 50-50 किसकी तरफ जाऊं, पर मैं वरुण की तरफ चला गया हूं। एट 6 आई हैव गॉट वरुण चक्रवर्ती। जिस तरह से उन्होंने कोलकाता के लिए गेंदबाजी की है, शुरुआत नहीं की थी लेकिन उसके बाद जब खेलना शुरू किया तो फिर कमाल की बोलिंग करी है। एक इनिंग्स में 5 विकेट, आई मीन ही वॉज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। और जिस समय पे गेंदबाजी की है, इनसे पावर प्ले में बोलिंग कराई गई, इनसे बाद में बोलिंग कराई गई और ये जो पूरा टूर्नामेंट रहा है स्पिनर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काइंड नहीं रहा कि स्पिनर्स हैवंट रियली हैड द ग्रेटेस्ट ऑफ टाइम्स। मतलब अगर ये टूर्नामेंट इंडिया में होता तो अपने स्पिनर्स जो थे वो एकदम चमक के दमक के आते, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चमक थोड़ी सी मतलब मार्जिनली फीकी हुई थी। और ये बड़ी टिकट के साथ आए थे, बड़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ, बड़ी रेपुटेशन के साथ आए थे। कुलदीप यादव बाहर बैठे थे, अगर कुलदीप को आपने बाहर रखना और सुनील नारायण के एक्शन पे जब थोड़ा सा बवाल हुआ उन्होंने खेलना बंद किया तो फिर तो सब कुछ इनके कंधों पे आ गया ना कि यही बचाएंगे यही संभालेंगे। वरुण चक्रवर्ती आई थिंक वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। नंबर 6 पे इन्हीं के साथ वैसे स्लैश में टी नटराजन भी रख देना चाहिए क्योंकि लड़का वो भी अपना बड़ा कमाल का है। एक गया दूसरा आया, T20 आई की टीम की बात करें तो उसमें भी यही हुआ है और टी नटराजन ने भी यॉर्कर्स तो बहुत कमाल के एग्जीक्यूट किए हैं। तो वरुण चक्रवर्ती, टी नटराजन, आई एम गोइंग विद वरुण चक्रवर्ती। यू कैन पिक टी नटराजन, कॉमेंट सेक्शन आपका है, भर दीजिए तो वैसे भी शो ही आपका है। एट नंबर 5 आई हैव गॉट युजवेंद्र चहल इज सेंसेशनल। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इतना चतुर चालाक चंचल चहल है ना कि आई मीन लेग स्पिन कोई बहुत नहीं कि कोई डेढ़ गज बॉल टर्न होती है। गूगली ऐसी भी नहीं कि मतलब वो राशिद खान वाली गूगली है। फ्लिपर भी ऐसी नहीं कि मतलब जैसे वो बहुत तेजी से अंदर आती है और जाके पैड पे लगती है। पर इसके पास जो दिमाग है गेंदबाज के पास यार, कब धीमा डालना है, कब उससे धीमा डालना है, कब थोड़ा बाहर डालना है, कब थोड़ा अंदर डालना है, किस गेंदबाज के सामने क्या करना है, He's been very, very good. और थ्रू आउट मतलब थोड़ी सी इनकी चैन मतलब चैन की सांस ली होगी कि चन्ना स्वामी से बाहर निकले, थोड़े बड़े मैदानों पे गेंदबाजी का मौका मिला। लेकिन एज आई सेड अर्लियर कि बोलिंग की स्पिन फ्रेंडली पिचेस बहुत ज़्यादा थी नहीं, लेकिन उसके बावजूद इस खिलाड़ी ने बहुत अच्छा काम किया और कप्तान ने भी इनको मतलब 16-17 ओवर भी करवाया। मतलब उस समय भी गेंदबाजी करवाई जब टीम का लग रहा था कि काम तमाम होने वाला है, जब बहुत लंबी साझेदारी थी तब भी इनसे बोलिंग करवाई। इनफैक्ट देखिए आरसीबी तो वैसे भी सिर्फ 14 पॉइंटों के साथ पहुंची है, 7 जीत यानी कि, और वो एक जीत तो मुझे उस वाली याद आती है जो उनको पहला ही मैच था हैदराबाद से हारना चाहिए था, जिस तरीके से वो बेस्टो पिटाई कर रहे थे, बेस्टो को 80 पे बैटिंग करते शायद उनको आउट किया, अगली गेम में विजय शंकर को आउट किया, मैच पलट दिया, मैच खत्म कर दिया। सो एक तरीके से देखें तो इनकी वजह से क्वालिफाई करी टीम। अगर एक मैच वो हार जाते ना तो टूर्नामेंट खराब शुरू होता और आगे भी नहीं जाते। बट देन सो यूजी चहल माय फ्रेंड एट 5। एट नंबर 4 आई हैव गॉट राजस्थान की टीम के अर्जुन है, इनका नाम आर्चर है, जोफ्रा। जोफ्रा क्या करते हैं यार, और वन मैन आर्मी की तरह चले कि ये एक तरफ है, बाकी सारा बॉलिंग अटैक एक तरफ है। ये जब आते हैं नई गेंद से गेंदबाजी, पहले ओवर में विकेट, बीच में आते हैं तो बाउंसर मार के विकेट, फिर डेथ में आते हैं इनको कोई मार नहीं पाता। इतनी हैशटैग रिस्पेक्ट तो मतलब आदमी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी नहीं देता है जितनी बैट्समैन इनको दे रहे थे। मतलब इट वॉज अनबिलीवेबल, सॉरी बैट जोक, सॉरी सबको देखो, ग्रैंड पेरेंट्स को तो मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ और सभी देते हैं, पर T20 क्रिकेट में मैंने किसी को इतनी रिस्पेक्ट किसी करते देखा नहीं है यार। जोफ्रा की रिस्पेक्ट देखी है हमने, बल्लेबाजों की आंखों में डर और रिस्पेक्ट इकट्ठे दिखी है, शायद डर की वजह से रिस्पेक्ट आ गया, और वो जो ग्रैंड पेरेंट्स का रिस्पेक्ट होता है वो प्यार की वजह से आता है। तो ये मैं थोड़ा बैड एनालॉजी, ब्लेम इट ऑन 2020, ब्लेम इट ऑन अ लॉन्ग टूर्नामेंट, ब्लेम इट ऑन एनीथिंग, मतलब मेरे को ही ब्लेम कर दो, बट जोफ्रा इज माय नंबर 4। दादाजी दादीजी प्लीज, नाना जी नानी जी सॉरी। एट नंबर 3 आई गॉट राशिद खान, करम आदि खान इज एट नंबर 3। और इनका भी प्रदर्शन जो है वो मतलब रहा तो एकदम टॉप क्लास है ना, बिल्कुल शुरुआत से देखिए। और इनमें दो चीज़ें मुझे लगा इनकी बहुत अच्छी थी, एक तो ये कि पिछले साल हम लोगों को लगा कि पीपल है फिगर्ड हिम आउट कि अब इनको डिफेंस करते हैं मारते नहीं हैं तो ये विकेट नहीं चटका पाएंगे, लेकिन इस साल क्या हुआ, दूसरा हमारी थ्योरी ये थी कि आसपास के गेंदबाज उतने अच्छे नहीं बचे हैदराबाद के, तो फिर बाकी लोगों को पिटाई हो जाती है, इनके सामने कोई नहीं भागता। दो थ्योरीज थी,
अब इस साल उन्होंने दोनों पलट दिया, डिफेंस करते हुए बल्लेबाजों को आउट किया है। डिफेंस करते हुए यार ये कोई तरीका है? मतलब दिल्ली के सामने तो ये तीन मैच खेले, दो में एक में 4 ओवर 14 रन 3 विकेट, एक बार 4 ओवर 7 रन 3 विकेट, और डिफेंस करते हुए, डिफेंस करो बीच में से बॉल निकल जाए, डिफेंस करो पैड पे लग जाती है, बैट्समैन सेट है, आते हैं एकदम से गूगली मारते हैं, मार्कस स्टोइनिस आउट हो जाते हैं। ही इज दैट काइंड ऑफ अ बॉलर। और मेरी वैसे थ्योरी है कि क्यों ये इन्होंने अच्छा किया इतना, एक तो ये कि ये जो पिचेस थी ना UAE में, अबू धाबी, दुबई, शारजा 50-50, पर बाकी जो दोनों पिचेस थी, पढ़ने की बॉल तेज़ आ रहा था यार, पढ़ने के बाद बॉल जो था वो बड़ी तेज़ी से निकल रहा था, ऐसे ना स्किड करके जा रहा था, तो फिर बल्लेबाजों को टाइम कम मिला। दूसरा जो शोल्डर था ना ये ज़्यादा थका हुआ नहीं था, बट जस्ट ऑप्टिमम प्रैक्टिस थी कि CPL खेल लिया, उसके बाद IPL में आ गए, तो ऐसा नहीं था पूरे साल वो डाल कंधा थक जाता है यार, वो कंधा थका हुआ नहीं था, कंधा पूरी तरह से फ्रेश था, लेकिन उतनी गेंदबाजी की थी जितना वो फॉर्म उनको मिल जाए। आई थॉट दीज टू फैक्टर्स वर्क्ड इन हिज फेवर। राशिद करामाती खान एट नंबर टू, आई हैव गॉट कगिसो रबाडा, KG रूथलेस रबाडा, क्या बोलिंग की है यार। बीच में हल्का सा इतने से छोटा सा फेज आया था जिसमें वो थोड़ा टेल ऑफ हुए थे, पर उसके बाद दोबारा उन्होंने वापस अपना प्रदर्शन को जो था वो चरम पे ले गए, शिखर पे ले गए। कगिसो रबाडा मतलब जिस बार एक मैच था ना जिसमें उन्होंने एक भी विकेट नहीं ली, वो शायद 25 मैचेस के बाद हुआ था, मतलब 2018 के बाद हुआ था कि एक मैच हो गया जहां पर विकेट ही नहीं ली कगिसो रबाडा ने। मैं तो ये कहने लग गया था डेथ टैक्सेस एंड रबाडा टेकिंग अ विकेट इन एन IPL इनिंग्स इज अ सर्टेनिटी है, तो होना ही होना है, इसको आप बदल नहीं सकते, तो विधि का विधान है। पर गेंदबाज बहुत तगड़ा है यार, जिस तरीके से उन्होंने वार्नर को आउट किया आपको याद रहेगा, जिस तरीके से उन्होंने सुपर ओवर में बॉलिंग की, आए वो दो बल्लेबाजों को लगातार एक के बाद एक, पहले निकोलस पूरन, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल, चल लिए थैंक यू वेरी मच, और नहीं ग्लेन मैक्सवेल नहीं, आई थिंक इट वॉज KL राहुल, मैक्सिको तो भेज भी नहीं रहे ना आजकल वो सुपर ओवर में, बट देन किंग्स इलेवन इतने सुपर ओवर खेले, मैं भूल गया कि कौन कौन से सुपर ओवर की बात करूं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट दिल्ली वन जो शुरुआत में मार्कस स्टोइनिस ने मैच जितवाया था, 3 गेंदों में 1 रन चाहिए था, आउट कर दिए 2 बल्लेबाज, उसके बाद रबाडा आए और 2 ही रन पर रोक दिया सामने वाली टीम को, 2 रन पर 2 आउट, चलो घर जाओ अपने अपने। सो कगिसो रबाडा इज दैट काइंड ऑफ अ बॉलर, ही इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट दैट द वर्ल्ड हैज सीन, और पर्पल कैप इनके सर पर विराजमान है, तो आइडियली तो नंबर वन होने चाहिए थे, फिर नंबर वन कौन हो गया? नो सस्पेंस। कैस्ट्रो एक्टिव टूर्नामेंट प्रोटेक्टर इज बूम बूम बूम, सो ही ऑफकोर्स डजेंट हैव द पर्पल कैप, पर उनके पास ट्रॉफी है। अब वो कहते हैं ना आपके पास ये है, आपके पास वो है, हमारे पास माँ है, तो वो ये कहते हैं हम आपके पास पर्पल कैप है, आपके पास विकेट्स हैं, मुझसे ज़्यादा हमारे पास क्या, हमारे पास ट्रॉफी है। तो ये 5वीं ट्रॉफी जीतने का जो बहुत बड़ा श्रेय जाता है वो जाता है बुमराह को। शुरुआत धीमी थी, 2020 साल जो शुरू हुआ उनके लिए बहुत अच्छा नहीं था, बहुत पिटाई हो रही थी यार, मुझे लगा कि थोड़ा सा टेल ऑफ हो गया, कि एक पूरी श्रृंखला जिसमें एक भी विकेट नहीं मिली, एक पूरी श्रृंखला जिसमें एक विकेट मिली, हम वनडे सीरीज की बात कर रहे हैं, उसके बाद सुपर ओवर्स में भी रन खाए उन्होंने, मैंने ऐसे रन उनको खाते कभी देखा नहीं, न्यूजीलैंड की बात थी, लेकिन यहां पर भी शुरुआत में मतलब 50-50 चल रहा था, अच्छा ओवर, खराब ओवर, बहुत खराब ओवर, बहुत अच्छा ओवर, वो कंसिस्टेंसी मिसिंग थी। पर जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे चलता रहा, देयर आर कपल ऑफ डिसमिसेस दैट विल स्टे इन माय मेमोरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक तो जो उन्होंने शिखर धवन को वो डंडे पे बॉल मारी यार, उफ, मतलब वो टो टूट जाती, इतनी अच्छी बॉल थी। एक उन्होंने आंद्रे रसल को आए और बाउंसर मारी और ऐसे करके आउट किया, आउटस्टैंडिंग, थोड़ा सा हट रहे थे, बॉल को फॉलो किया और मतलब धमका के डरा के आउट किया। सो कैस्ट्रो एक्टिव टूर्नामेंट प्रोटेक्टर फॉर मी वॉज बूम बूम बूमरा, और अगर बूमरा ऐसे ही चलते रहे तो बल्लेबाजों को करते रहेंगे गुमराह, या फिर दिखाते रहेंगे पवेलियन की राह, ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। और इनकी तो वैसे बात भी सुनो तो कितना अच्छा लगता है ना, इज वन ऑफ द मोस्ट लाइकेबल क्रिकेटर्स ऑन द प्लैनेट, देख के ही मन करता है कि अच्छा करे यार, ये अच्छा करे, और जब तक ये अच्छा करते रहेंगे भारतीय टीम, मुंबई इंडियंस से सब अच्छा करते रहेंगे, इंडियंस ही अच्छा करते रहेंगे, वो मुंबई वाले हो या फिर इंडिया वाले हो, मतलब सीनियर टीम वाले हो, सब अच्छा करने वाले हैं। तो बूम बूम बूमरा इज माई कैस्ट्रो एक्टिव टूर्नामेंट प्रोटेक्टर एंड दिस इज माई लिस्ट। एट नंबर 6 आई हैड वरुण चक्रवर्ती / टी नटराजन, चाहल, जोफ्रा, राशिद, रबाडा एंड बूम बूम। चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए।